प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि मेँहीँ परमहंस जी महाराज का प्रवचन। शब्द के अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं। इस प्रवचन का प्रथम भाग। बंदहूँ गुरु पद कंध, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुन जासु वचन रवि कर निकर। प्यारे लोगों, आप जब निठार नींद में सो जाते हैं तो उस समय कुछ भी खबर नहीं रहती है। आप नहीं जान पाते कि आप कहाँ हैं, परंतु जब जग जाते हैं तो सचेतता आती है और आप संसार की खबर जानने लगते हैं। अपने तय में अपने शरीर को देखते हैं, अपने को नहीं जानते हैं। अपने तय की खबर भी करनी चाहिए। आप देखते हैं कि गांव-गांव में, घर-घर में मृत्यु होती है। यह अशुभ होने पर भी होती ही है, यह आप देखते हैं। आप अपने लिए सोचेंगे तो विश्वास होगा कि आपका भी शरीर छूटेगा। मृत्यु के बाद घर घर में श्राद्ध क्रिया होती है। श्राद्ध क्रिया में विश्वास है कि शरीर छूट गया है, इसको जला देते हैं, लेकिन शरीर में जो था वह कहीं चला गया। जो चला गया वह क्या था? वह वही था जिसको अपने तई कहते थे। शरीर में रहने वाला कोई एक ही चीज नहीं है। इस मोटे शरीर को जो कोई छोड़ता है वह सूक्ष्म शरीर के साथ रहता है। उसके अंदर कारण शरीर है, उसके अंदर महाकारण शरीर है। इस स्थूल शरीर के सहित चार जड़ शरीर हैं। जड़ अर्थात ज्ञान शून्य। इसमें ज्ञानमय पदार्थ को चेतन आत्मा कहते हैं। जो लोग सत्यवान और सावित्री की कथा को पढ़ते हैं व उसका नाटक व सिनेमा देखते हैं तो उनको यह बात मालूम होती है कि जब सत्यवान के स्थूल शरीर से यमराज ने सूक्ष्म शरीर को निकाल लिया तो वह स्थूल शरीर मर गया और उसमें सूक्ष्म शरीर दे दिया तो वह जीवित हो गया। इस कथा में बताया गया कि जो पुण्यवती स्त्री होती है उसको पुण्यवान पति मिलते हैं। सावित्री के पातिव्रत धर्म के पालन के कारण सत्यवान जीवित हुआ, उसका राज्य लौटा। सत्यवान पुण्यवान था, इसलिए उसको इस तरह की पुण्यवती स्त्री मिली। पुण्यवान और पुण्यवती वे होते हैं जो झूठ नहीं बोलते, चोरी नहीं करते, मादक द्रव्य का सेवन नहीं करते, हिंसा नहीं करते अर्थात मांस मछली आदि नहीं खाते और व्यभिचार नहीं करते। यदि इन पंच पापों को नहीं करो तो पुण्यवान होगे। लोगों को पुण्यवान होना चाहिए। स्त्रियों का सावित्री की तरह और पुरुषों को सत्यवान की तरह होना चाहिए। साथ ही साथ यह भी सीखना चाहिए कि जीवात्मा लिंग शरीर के साथ निकलता है, केवल जीवात्मा नहीं निकलता। चेतन आत्मा चार जड़ शरीरों के साथ है। चेतन आत्मा के नहीं रहने से यह शरीर किसी काम का नहीं रहता। हम लोग अभी अपने स्वरूप में नहीं हैं। चेतन आत्मा ज्ञानमय पदार्थ है और चार शरीर जड़ हैं, ज्ञानमय है। संग में नहीं रहकर अकेले रहेंगे तो क्या होता है? लोग इसको नहीं जानते। संग में रहकर कुछ बनकर रहो। कली काल में अशोक बहुत बड़ा सम्राट था। अंग्रेज बहुत बड़ा राजा था। भारत से बाहर भी उसका राज्य था, लेकिन धन चिंता ही चिंता देता है। धन नहीं रहे तो चिंता, धन रहे तो उसकी रक्षा के लिए चिंता। जहाँ चिंता है वहाँ दुख है। कितना भी सुख संसार में पाओ दुख होगा ही। मन कहता है कि चिंता नहीं रहे, दुख कभी पास नहीं आवे। ऐसा सुख हो कि जिसमें उकताना नहीं हो और जो कभी छूटे नहीं। लेकिन संग में रहने से ऐसा नहीं होता। संतों ने कहा कि अकेले होकर रहो, यही कैवल्य दशा है। अपने को चारों जड़ शरीरों से भिन्न करके रखो, अकेलेपन की अवस्था आएगी। संतों ने इसके लिए कोशिश की और जिनको सुख मिला उन्होंने कहा उस सुख में कोई चिंता नहीं। कहावत है, जैसा संग वैसा रंग। ईश्वर ऐसा है कि वह ईश्वर परमात्मा अकेले रहने वाला है। लोग कहते हैं कि वह भी माया प्रकृति के साथ है। कितनी भी बड़ी प्रकृति व माया हो, वह उसको ढक नहीं सकती। और कह दिया कि वह ऐसा है कि जिमि कोटि शत खद्योत सम रवि कहत अति लघुताल है। उसके लिए कुछ भी कहो, पूरा पूरा कहा नहीं जा सकता। प्रकृति के तत्वों से भी वह पूर्ण ढका नहीं है। वह अकेलेपन की अवस्था में है। तुम उसको पकड़ो, वैसे ही हो जाओगे। जो ईश्वर तक पहुंचता है वह कैवल्य स्वरूप हो जाता है। परमात्मा प्राप्ति का सुख मन इंद्रियों वाला नहीं है। मन इंद्रियों का सुख संसार में मिलता है। अपने तई का सुख अपने स्वरूप में रहने से होता है। आप बाहर की चीजों को लेकर उसमें सुख पाते हैं, लेकिन गहरी नींद में आप सुख से रहते हैं। यह बाहर की बात नहीं, भीतर की बात है। इसमें भी बाहर की कोई चीज नहीं रहती, फिर भी सुख से रहते हैं। हम लोगों को विषयानंद मिलता है, यह क्षणिक है। अपने आप में रहो, यह नित्यानंद है, आत्मानंद है। इसके लिए ईश्वर की भक्ति करो। भक्ति का अर्थ है सेवा। किसी की जरूरत पूरी करो, यह उसकी भक्ति है, सेवा है। अंदर अंदर चलो जहाँ ईश्वर दर्शन होंगे। और दो हैं, एक बाहर और दूसरा अंदर। माया बाहर में है। माया को छोड़ने के लिए अंदर चलो। पहले मन के साथ चलना होता है, शरीर उस पर नहीं चलता। पहले मन के साथ चलो, चलते चलते मन का संग छूट जाएगा और कैवल्य दशा हो जाएगी। परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन संत मत सत्संग मंदिर नवाबगंज मनिहारी कटिहार में दिनांक 21/6/1966 ईस्वी को हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस प्रवचन का शेष भाग अगले प्रवचन पाठ में।